गुड मॉर्निंग दोस्तों, न्यूज़ व्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब हम आपको बताते हैं कि DGCX से कैसे संकेत आ रहे हैं। हमारे यहाँ मार्केट जो भी करेंसी के मार्केट हैं बंद हैं। यहाँ ऑन दी ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा डेरिवेटिव और स्पॉट दोनों मार्केट करेंसी के बंद हैं आज, और हमको कुछ संकेत DGCX से आते हुए दिखेंगे। कल की क्लोजिंग DGCX में 76.11 रुपये की है, और बायर सेलर जो अभी तक ऑफर आ रहा है, मतलब कोई ट्रेड अभी हुआ नहीं है, बायर सेलर स्प्रेड देख रहे हैं 76.62 रुपये और 76.22, ये लेवल हमको दिख रहे हैं। SGX के से क्या संकेत आ रहे हैं, तो एक SGX जो है निफ्टी बंद हुआ था वहाँ से 127 पॉइंट की हम गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर ओवरनाइट क्यूज़ क्या थे वहाँ पर देखें तो US मार्केट में 218 पॉइंट डाउ जोन्स को हमने देखा, वहाँ से कुछ मिक्स क्यूज़ थे। 218 पॉइंट डाउ माइनस था और नैसडेक 45 पॉइंट प्लस था। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हमने वहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी देखी, और वहीं पर फाइनेंशियल्स और डिफेंसिव स्टॉक्स में बिकवाली के कारण डाउ पे दबाव था। अब देखते हैं कि किस प्रकार की FII एक्टिविटी लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में रही है डेरिवेटिव पे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, वीकली इंडेक्स ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन है आज, और किस तरह से FII ने देखिए यहाँ पर EOD जो एंड ऑफ डे फ्यूचर्स पोजीशंस हैं उनकी, वहाँ पर हमने 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में हैं टोटल, अभी एंड ऑफ डे में कल खड़े थे। परसों 10 लाख थे, वहाँ से 7 लाख की बढ़ोतरी हुई है। तो वो किस तरह से हुई है, तो 4 लाख के करीब लॉन्ग पोजीशन हुई है और 3.5 लाख उनकी जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको उन्होंने काटा है। तो रिजल्टेंट 17 लाख जो है इंडेक्स में फ्यूचर में वो प्लस हैं। पुट ऑप्शन की पोजीशन देखें तो जो पिछले दिन 51 लाख के करीब थी वो घट के 47 लाख हुई है, और EOD नेट कॉल जो है पोजीशन वहाँ देखें तो डबल हो गया है। वहाँ पर कॉल में काफ़ी 10 लाख का जो है कॉल लॉन्ग कॉल ऑप्शन देखा गया है जुड़ते हुए, और जुड़ के टोटल एंड ऑफ डे 18 लाख के करीब कॉल खड़ा है। तो ये कॉल में एडिशन है, फ्यूचर में एडिशन है, मतलब बुलिश बेट FII के द्वारा डेरिवेटिव में लगाया गया है। वहीं पर उलट देखें कैश मार्केट में, कल उन्होंने लगातार बिकवाली हम देख रहे हैं लगातार लास्ट के 3 दिनों में। कल 494 करोड़ की बिकवाली और DII ने 322 करोड़ की खरीदारी की थी। आइए चलिए ले चलते हैं आपको आज क्या क्या न्यूज़ हैं स्टॉक्स में। तो वहाँ पर देखें येस बैंक के नतीजे आए थे कल, और उसमें कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजे रिपोर्ट किए हैं, उसके कारण एक रिएक्शन हम मार्केट में देख सकते हैं। आज जिन कंपनियों का के नतीजे हैं उसमें देखेंगे कि SCL, टेक, RBL, साइंट, ये कंपनियां हैं जिसमें जो रिपोर्ट करेंगी। और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक ब्लॉक होगा जिसमें 13 करोड़ से ऊपर की हिस्सेदारी चेंज हैंड होगी। 13 करोड़ 38 लाख, ये देखिए 13.38 करोड़ की हिस्सेदारी यहाँ पर चेंज हैंड होगी। तो चलिए देखते हैं कोविड इंडिया में क्या अपडेट है। ब्लूमबर्ग के हेडलाइंस पे कि कोरोना वायरस केसेस इंडिया में 49,391 रिपोर्ट किए गए हैं, और वहीं पर मृत्यु दर जो है मृत्यु 1,694 हुई है, हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से ये रिपोर्ट है। 68 नए कोरोना वायरस केसेस धारावी में रिपोर्ट किए गए हैं, टैली बढ़कर 733 हो गई है, जिसमें कि एक डेथ रिपोर्ट कल के दिन रिपोर्ट की गई है, PTI के हवाले से ये रिपोर्ट है। अडानी एंटरप्राइज में न्यूज़ है कि अडानी एयरपोर्ट में कुछ एसेस करेंगे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन फ्लाइंग एक्टिविटी। और अडानी ट्रांसमिशन में न्यूज़ है कि बोर्ड कंसीडर कर रही है फंड रेज के लिए May 9 की बोर्ड मीटिंग में। एस्टेडियम हेल्थ केयर में कुछ न्यूज़ है कि वो COVID-19 RT-PCR कन्फर्मेटरी टेस्ट बेंगलुरु फैसिलिटी पे स्टार्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एस्टेडियम के लिए आते हुए। भारत पेट्रोलियम में न्यूज़ है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को 300 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है थाईसन प्राप्त के द्वारा। बंधन बैंक में कुछ न्यूज़ है कि उनको JP Morgan ने कंपनी की रेटिंग को बढ़ाया है, रेज की है, ओवरवेट की रेटिंग दी है, पहले न्यूट्रल की रेटिंग थी। कोल इंडिया में न्यूज़ है कि उन्होंने असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इम्पोज किया है कंपनी के ऊपर 43 करोड़ 25 लाख पेनल्टी फॉर इलीगल माइनिंग फॉर 16 ईयर्स, जो है वो 2003 से लेकर अभी तक के लिए उन्होंने उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। PTI के हवाले से ये न्यूज़ आते हुए दिखी है। जेफरी के तरफ से एक इम्पॉर्टेंट DLF पे रीइंस्टेट की गई है बाय की रेटिंग, ये इंपॉर्टेंट DLF पे न्यूज़ जेफरीज की तरफ से आते हुए, ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी की रीइंस्टेट की है रेटिंग को। डॉक्टर रेड्डी में कुछ न्यूज़ है कि उनको अप्रूवल मिला है एलाइजिब सेलिस सोजिब ओरल सॉल्यूशंस को लेके। और आईचर मोटर्स में न्यूज़ है कि कंपनी ने CFO को मनोनीत किया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में न्यूज़ है कि जेफरीज ने वहाँ भी रीइंस्टेट की है बाई की
प्राइस टारगेट 945 के हैं, तो देख रहे हैं हम जेफरीज जो कि एक ब्रोकिंग फर्म है, और वहाँ से कुछ डीएलएफ जैसे और गोदरेज प्रॉपर्टी, मैंने रियल इस्टेट पे कुछ री इंस्टेट करते हुए जो बाई की रिकमेंडेशन उनकी पहली थी उसको री इंस्टेट किया है उन्होंने। एचडीएफसी में कुछ न्यूज़ है कि 5,000 करोड़ एनसीडी के जरिए कंपनी जुटाएगी, प्राइवेट प्लेसमेंट होगा एनसीडीज का। हेल्थ केयर ग्लोबल में कुछ न्यूज़ है कि सीबीसी कैपिटल एक्सपेक्ट कर रही है टू बाई स्टेक इन एससीजी, इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से न्यूज़ है, तो ये एक लाइमलाइट में रह सकता है इस स्टॉक। हिंदुस्तान यूनिलीवर में काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज, ब्लॉक चेंज होगा। ग्लैक्सो स्मिथ लाइन जो उसके हॉर्लिक्स का जो ब्रांड जो चेंज हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, उसके कारण $3.3 बिलियन का सेल आएगा इंडिया में, और प्राइसेस जो है 1850 से 1950 के बीच होगी, 13 करोड़ 37-38 लाख शेयर के करीब चेंज हैंड होगा। मारुति में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उनका प्रोडक्शन मनेश्वर प्लांट में 12 मई से चालू होने की उम्मीद है। एनएसपीसी में न्यूज़ है कि कंपनी ने प्रपोजल को मंजूरी दी है, जहां पर कि वो 2000 करोड़ रुपए डेट के जरिए उठाएंगे। ओवरऑल रियलिटी में न्यूज़ है जेफरीज ने, देखिए यहां भी ये तीसरी कंपनी होगी रियल एस्टेट में जहां पर कि बाई की रेटिंग री इंस्टेट की जा रही है जेफरीज के द्वारा। प्राइस टारगेट 423 रुपये हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्री ऑपरेशंस जो है मोस्ट ऑफ द लोकेशंस जो है बीइंग पार्शियली रिज्यूम किया है, तो पिडिलाइट इंडस्ट्री में ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि पार्शियली एटलीस्ट ऑपरेशन कंपनी ने अपने डिफरेंट जितने भी लोकेशंस हैं वहाँ पर उन्होंने रिज्यूम किया है। प्रेस्टीज स्टेट यहाँ पर भी देखिए, ये भी एक रियल इस्टेट की चौथी कंपनी जेफरीज के द्वारा री इंस्टेट की गई है बाई 246 रुपये के प्राइस टारगेट हैं। पांचवी कंपनी सोभा डेवलपर्स, ये भी एक साउथ इंडिया में बेंगलोर साइड में काफ़ी प्रेजेंस है कंपनी का, वहाँ भी रीइंस्टेट की गई है बाई की रेटिंग 311 रुपये के प्राइस टारगेट हैं। टाटा कंसल्टेंसी में कुछ न्यूज़ है कि वहाँ पर उन्होंने बोला है कि कॉन्टिनेंटल बैंक ने सेलेक्ट किया है बैंक्स क्लाउड को, तो ये इनका प्रोडक्ट है, ये पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए टाटा कंसल्टेंसी में। टीवीएस मोटर में कुछ न्यूज़ है कि उन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इंडिया में रिज्यूम किए हैं, तो बहुत सारी कंपनियों में रिजम्पशन ऑफ ऑपरेशंस हम देख रहे हैं। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ इकोनॉमी में, शायद जो चक्का जाम था इतने दिनों से चलने के कगार पे है। वेदांता में कुछ न्यूज़ है कि वो 1 बिलियन ऑयल यूनिट स्टेक सेल जो है, ऐसा माना जा रहा है कि वो जो उनका स्टेक बेचने की बात थी वो अभी रुका है। येस बैंक जो कि कल नतीजे आया जिसमें कि 3,670 करोड़ का नुकसान है कंपनी को, एस्टिमेटेड लॉस ज़्यादा था 4,220 करोड़ का था, उससे नीचे आए हैं। ग्रॉस एनपीए 16.8% है वर्सेज 18.87% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया है लेकिन लॉस अभी भी है कंपनी में। और इंडिया ने इनके जो सीईओ थे, एक्स सीईओ मिस्टर राणा कपूर येस बैंक के, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ऐसा माना जा रहा है कि इनको लगाया जा रहा है। और आज जिन मुख्य कंपनियों की अर्निंग आ रही है उसमें एससीएल टेक, साइंट और आरबीएल बैंक, ये नतीजे हैं। और आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है कि लास्ट 5 दिनों में 5 ट्रेडिंग सेशन में कौन 5 से शेयर हैं जो कि बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं और वर्स्ट परफॉर्मर आपके सामने हैं। तो महिंद्रा, ONGC, सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इसमें 12 से लेकर 15% का जंप हमने लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशन में देखा है। और जो वर्स्ट परफॉर्मर हैं उसमें फ्यूचर रिटेल, एक्सिस बैंक, PNB हाउसिंग और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आदित्य बिरला कैपिटल, इसमें भी 12 से लेकर 20% तक की गिरावट हमने 5 ट्रेडिंग सेशन में देखी है। तो ये थे न्यूज़ व्यूज एनालिसिस में, फिर हम आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन में आ सकें।